श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं, नोट कर लो आप। श्रोता एक होते हैं, श्रोता और एक होते हैं, श्रोता और श्रोता और सरोता। श्रोता वो कि कथा में बैठे और राम कथा का स्रोत झरझर करके कान से और अंदर लबालब पान कर रहे, और उसके बाद में श्रोता कौन होते हैं का जब बैठते तो देख लेते हैं पंखा किधर है और उसी के नीचे नीचे बड़ी प्यारी नींद आती है। पता है क्यों नींद आती है? क्योंकि घर में तो नींद आती नहीं, क्योंकि टेंशन बहुत रहता है, और जहां से कथा में बैठे तो टेंशन कहते यार काय के चक्कर में पड़े सो जाओ तुम। टेंशन का अर्थ जानते हो? बताया कि नहीं अभी? टेंशन मानी होता है टेन मानी दस और सन मानी सूर्य। एक सूर्य जो दोपहर जून और मई जून का जो सूर्य तपे तो उसका जो ताप होता है दस सूर्यों के बराबर, जो ताप दे जीवन को जलाए उसका नाम टेंशन है। आप जानते हैं, नोट कर लो इसको, ये टेंशन का अर्थ है। अब अंग्रेजी वाले कुछ भी करें क्या महाराज, तो ये टेंशन का अर्थ है। तो बोले महाराज इसलिए तो नींद आ गई, सो गए, ये सोता है। कथा में नींद अच्छी आती है क्योंकि सारे टेंशन समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसे टेंशन समाप्त करके कथा मत सुनना अच्छा, नहीं तो एक महाराज कथा सुन रहे थे, नींद आ गई, स्वप्न आने लगा। स्वप्न में वो देख रहे थे कि उनकी परचून की दुकान है और दुकान की बोरियां खुली रखी हैं, और स्वप्न में देख रहे थे परचून की दुकान है, दुकान पर बैठे हैं, बोरियां खुली हुई है और गैया उधर से निकल रही हैं, बकरियां निकल रही हैं। सो उनकी बोरी में वो खाने लग गई, बोरी में खाने लग गई, सो ने लाठी उठाई घुमा के मारी। अब महाराज वो तो सो रहे थे वहां, गैया तो कोई नहीं थी, ब्यास ही थी महाराज बैठे थे। सो सियावर रामचंद्र जी की जय कर दी उन्होंने। तब से महाराज ये नियम हो गया कि ब्यास मंच जरा ऊंचा बनाओ, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसलिए एक श्रोता और एक सोता, और उनसे ज्यादा खतरनाक होता है सरोता। हाँ, जो उठते से ही यार जे बात कही, लेकिन जे बात ऐसे कहते तो अच्छी रहती, ये बात ऐसी नहीं, ये बात तो वैसी है। हाँ, तो मैंने उसको काटना, श्रोता जैसे काटते ना, हाँ सुपारी को, वैसी कथा को भी काटना श्रोती की तरह, तो वो श्रोता।